हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय अनुमे एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर और गैसियस स्टेट। सो टिल लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रियल गैस। ओके, तो अब हमको पढ़ना है रियल गैस। रियल गैस को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं आइडियल गैस को, है ना। तो किस गैस को हम आइडियल बोलते हैं और आइडियल गैस बेसिकली होती क्या है, हम जरा ये देखें। तो यहां पर हमारे पास थ्री पॉइंट्स हैं। आइडियल गैस मतलब क्या, विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या फॉलो करता है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन मतलब क्या, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर डी। तो आइडियल गैस पहली बात तो इसको फॉलो करता है, क्लियर। आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने का क्या मतलब है, अगर हम देखें तो बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसैक लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इन सब से मिलकर बनी है। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसैक लॉ और फोर्थ जो है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ, है ना। इन सबको क्या करेगा, आइडियल गैस इन चारों लॉज को फॉलो करेगा। तो हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है, क्लियर। उसके बाद मैं इसको रब करूंगी, आप कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस फिर ज्यादा लग जाएगा, है ना। सेकेंड पॉइंट जो है, ये तो हमने सारे लॉ से निकाल लिया, सेकेंड पॉइंट हम निकालते हैं केटीजी से, मींस विच ओबे ऑल पोस्टुलेट्स गिवन इन केटीजी, है ना। तो सेकेंड पॉइंट अपन क्या ले सकते हैं, जो क्या ओबे करता है, गैस विच ओबेज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तो बहुत सारे पॉस्टुलेट्स हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन ये आता है कि केटीजी के कौन से स्पेशल पॉस्टुलेट्स हैं। सारे फॉलो करता है वो तो सही है, लेकिन हम यहां पर एम्फसाइज करेंगे स्पेशली दो पर। फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मीन्स केटीजी का फर्स्ट पॉस्टुलेट नहीं है, लेकिन उनके सारे पॉस्टुलेट में से हम यहां पर दो पॉस्टुलेट्स को हाईलाइट कर रहे हैं और उसी के बेस पर हम रियल गैस को आइडियल गैस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या था, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। ओके, तो गैस जो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, यहां मैं फिगर बना के बता देती हूं यहां पर, कि सपोज दैट हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर का वॉल्यूम सपोज दैट कुछ एक्स क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर ये गैस का पार्टिकल्स है, ठीक। तो अब यहां पे दो तरह का है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मींस कितना हो गया, एक्स क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने इस वेसल का वॉल्यूम एक्स क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, तो एक्स क्यूबिक सेंटीमीटर तो क्या हो गया, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया। और ये जो मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं, तो ब्लैक डॉट्स का जो वॉल्यूम है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बोलेंगे। ओके, तो आइडियल गैस क्या कहती है कि ये जो ब्लैक डॉट्स का वॉल्यूम है, ब्लैक डॉट्स का वॉल्यूम, ये पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कैसा है, नेग्लिजिबल है, राइट। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया पूरे कंटेनर का वॉल्यूम,
और ब्लैक डॉट्स का वॉल्यूम हो गया मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ओके, सेकंड जो पॉइंट है जिसको हम हाईलाइट करेंगे कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इंटरेक्शन इज एब्सेंट अमंग गैस पार्टिकल्स। मींस गैस पार्टिकल्स के बीच में मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन कैसा है, एब्सेंट है। मींस ये जो गैस पार्टिकल हैं, इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है। मींस ना तो अट्रैक्शन है और ना रिपल्शन है। मींस ना तो दोस्ती है और ना दुश्मनी है। अट्रैक्शन का मींस मतलब दोस्ती और रिपल्शन का मींस दुश्मनी, है ना। तो यहां पर इन पार्टिकल्स के बीच में ना तो दोस्ती है और ना दुश्मनी है। ओके, तो बेसिकली चाहे तो हम इनको तीन पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो केटीजी को ओबे करता है, और केटीजी के स्पेशली हम इन दो पॉइंट्स को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अब आइडियल गैस इक्वेशन, अपन फर्स्ट पॉइंट पर दोबारा चलते हैं। विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, एक लाइन और मैं यहां पर एड कर देती हूँ, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। मीन्स हम टेम्परेचर कुछ भी कर दें, प्रेशर कुछ भी कर दें, वो आइडियल गैस इक्वेशन को ही फॉलो करेगी। ऑलवेज भी बोल सकते हैं, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया आइडियल गैस। अब अगर हम बात करें रियल गैस की, जिसको हमें पढ़ना है, तो रियल गैस क्या होता है? रियल गैस विच डू नॉट ओबे या विच डज नॉट ओबे, रियल गैसेस की बात करूंगी तो डू नॉट ओबे भी बोल सकते हैं। तो रियल गैसेस विच डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, रियल गैसेस डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मींस कोई ना कोई टेम्परेचर या प्रेशर तो ऐसा आएगा जहां वो ओबे करेंगे, है ना, कोई एक, वो अपन डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन सारे टेम्परेचर और प्रेशर के केस में वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करते, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि रियल गैस केटीजी को ओबे करती है कि नहीं, तो ये तो पॉइंट नंबर वन हो गया। और पॉइंट नंबर टू हम क्या बोलते हैं, रियल गैसेस शो deviation from ideal gas behavior, okay? तो real gas क्या करती है, ideal gas behavior से deviation show करती है, right? या हम ये बोलें कि real gases do not obey KTG, do not obey all postulates of KTG. तो इसको भी हम लिख सकते हैं, रियल गैसेस डू नॉट ओबे ऑल पॉस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। केटीजी के सारे पॉस्टुलेट्स को ओबे नहीं करती, स्पेशली ये दोनों, है ना। स्पेशली अगर हम बात करें कि फॉर रियल गैसेस मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, एंड फॉर रियल गैसेस मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज नॉट एब्सेंट अमंग द गैस पार्टिकल। ओके, तो यहां पर भी मैं लिख देती हूं, फॉर रियल गैसेस
पॉइंट नंबर वन क्या नॉट लगा देंगे, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल। मैं इन शॉर्ट लिख दे रही हूं, आप समझ ही गए होगे, इज नॉट नेग्लिजिबल। अच्छा चलिए लिख ही देते हैं, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, राइट। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। और पॉइंट नंबर टू, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज नॉट एब्सेंट, इज नॉट एब्सेंट अमंग गैस पार्टिकल्स। ओके, तो गैस पार्टिकल्स के बीच में मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन भी एब्सेंट नहीं है। अब बेसिकली अगर हम ये देखें कि ऐसा क्यों हुआ, आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे क्यों नहीं कर रहे, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल क्यों नहीं है और मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन एब्सेंट क्यों नहीं है, तो अब हमको ये देखना है कि ऐसा क्या है जो रियल गैस इन सारी चीजों से क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती है। तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं इस फिगर को रिटेन करूंगी, नहीं बाद में बना लेंगे, है ना। तो मैं बोर्ड से रख करके इसको पूरा आपको समझा देती हूँ। ओके, नाउ वी विल लुक एट कि रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करती क्यों है, है ना। हमने तीन पॉइंट डिस्कस किए, तो हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि भाई गैस क्या नहीं कर रही, भाग गैस फॉलो नहीं कर रही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एट ऑल टेम्परेचर, सॉरी नॉट इक्वल टू लगा दू, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि ये इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें, सपोज दैट अगर हम टेम्परेचर को जीरो रखते, सपोज दैट, है ना, इफ टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन, चलो जीरो केल्विन ज्यादा नहीं करती मैं, डिक्रीज की बात करती हूं, है ना। हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, हम टेम्परेचर को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो यहां मैं तीन रेंज बना रही हूं, सपोज दैट हम स्टार्ट करते हैं रूम टेम्परेचर से, तो यहां टेम्परेचर 298 केल्विन हुआ, फिर मैंने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस किया या 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री नहीं करते और कम कर लेते हैं हम इसको, सीधा कितना कर लेते हैं, सपोज दैट 200 केल्विन किया, फिर मैंने टेम्परेचर जाके 100 केल्विन किया और फाइनली जाके मैंने टेम्परेचर क्या किया, 0 केल्विन कर दिया। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो जो मैंने अभी कंटेनर बनाया था वो मैं आपको बताती हूं। हम केटीजी पढ़ चुके हैं, गैस के पार्टिकल्स की पूरी एनर्जी कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। अब जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे या पार्टिकल्स क्या होंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये गैस है तो गैस के बाद यहां पर नीचे कहीं लिक्विड होगा और लिक्विड के बाद फाइनली क्या आएगा, सॉलिड। तो यहां से अगर हम गैस ले रहे हैं, यहां पर का इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कैसी है, हाई है, राइट, है ना, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कैसी है, हाई है। ओके, अब जैसे हम टेम्परेचर कम करते गए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और यहां आके सपोज दैट क्या हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी नियरली जीरो हो गई, क्योंकि या एग्जैक्टली जीरो हो गई, क्योंकि ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी की बात तो समझ में आई, जरा हम वॉल्यूम देखें, हमारी गैस इक्वेशन क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा एक चीज, यहां पर हमने क्या रखा, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी बाय पी,
अब इसमें n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और t को आप जीरो रख दीजिए तो हम क्या बोल सकते हैं, एट t इक्वल्स टू जीरो केल्विन वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो। वॉल्यूम जीरो हो गया मतलब आप सोचो, यहां से ये गैस था, गैस के यहां पर बीच में कहीं लिक्विड आया, और लिक्विड से जब वो सॉलिड आया तो सॉलिड आते आते वो गायब ही हो गया। वॉल्यूम जीरो हो गया मतलब क्या हो गया, गायब हो गया, है ना। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हमने क्या लिखा है, प्रेशर कांस्टेंट किया है तो चार्ल्स लॉ लगेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इज इट पॉसिबल कि अगर हम यहां पर लाएं तो वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो। किस टेम्परेचर पर, जीरो केल्विन पर, मतलब कि कोई गैस लिक्विड हुई और आते आते सॉलिड हुई, और सॉलिड होते होते क्या जादू हो गया, भूत बन के गायब, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। इसलिए रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करती एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर, सो पॉइंट वन इज क्लियर। अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर टू पर। पॉइंट नंबर टू क्या था, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। जरा उसको भी हम फिगर बना के समझते हैं। सपोज दैट, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, छोटा सा ही बनाऊंगी, है ना। पॉइंट नंबर थ्री भी तो समझाना है ना। देखो, हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, है ना। ये कैसा है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक। ये क्या हो गया, पिस्टन हो गया। अब यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ये, ठीक। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो रेड डॉट का वॉल्यूम है, मतलब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है ना, वो इस कंप्लीट ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, जो मैं रेड से ऐसा हाईलाइट कर देती हूँ, ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है भाई, इसके कंपैरिजन में कैसा है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करें, पिस्टन को नीचे लेकर आए, ठीक है। पिस्टन को अब अगर हम लेकर आ रहे हैं नीचे, तो देखना कितने मैंने मॉलिक्यूल बनाए, उतने ही बनाऊंगी, तीन तीन छह दो आठ, एट बनाए हैं, उनका नंबर उतना कॉन्स्टेंट ही रखेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, वॉल्यूम कम कर देती हूँ, पिस्टन को यहां ले आती हूँ, है ना, वॉल्यूम कम कर दिया। अब इस केस में ये जो आठ मॉलिक्यूल्स हैं, आठ, ये यहां पर आ गए। चलो, अभी भी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के कंपैरिजन में रेड डॉट्स का वॉल्यूम कैसा है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अब थर्ड कंडीशन बना रही हूं, जरा वो देखिएगा, इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूं। यहां पर मैंने क्या किया, मैं पिस्टन को ना इतना नीचे ले आई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम वॉल्यूम कर दिया, और प्रेशर काफी बढ़ गया, है ना। टेम्परेचर हर केस में क्या है, यहां पर हमने टेम्परेचर कैसा रखा, कांस्टेंट रखा, राइट। अब देखो, 4, 5, 6, 7, 8 बन गए। अब क्या हम बोल सकते हैं कि इस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के कंपैरिजन में वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, अभी भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि अपन निकालेंगे तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, इतना कंप्रेस कर दूं, बिल्कुल पिस्टन यहां आ जाए, बिल्कुल नीचे आ जाए, राइट। या मैं ऐसा मानूं कि अब जो एट है, क्योंकि मुझे ऊपर बनाना है तो थोड़ा तो ऊपर बनाना है, ये जो एट मॉलिक्यूल्स हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आ जाएं, ठीक है। तो क्या अभी भी ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, नहीं, अब नहीं है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि कब हमको मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निग्लेक्ट करना है भाई, जब ऑक्यूपाइड वॉल्यूम खूब ज्यादा है। सो व्हेन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, देन वी कैन नेग्लेक्ट द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। बट व्हेन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज लेस, देन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, राइट। तो ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट जो है केटीजी का कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल,
ये हर कंडीशन पर फिट नहीं है, है ना। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, व्हेन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, व्हेन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज वेरी लार्ज और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज सफिशियंटली लार्ज, देन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कैन बी नेग्लिजिबल, बट व्हेन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल देन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो हम वहां पर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जब हम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो मतलब रियल गैस केटीजी का वो फॉलो नहीं कर रहा है ना, पॉस्टुलेट फॉलो नहीं कर रहा भाई। केटीजी के अकॉर्डिंग आइडियल गैस के इक्वेशन, गैस तो भूत बन के उड़ गई, तो रियलिटी में तो भूत होता नहीं है कोई, है ना। और इसी तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि सिकुड़ता जा रहा है और बिल्कुल आ गया, अब भाई इसको निग्लेक्ट कर दो। तो ऐसे कैसे निग्लेक्ट कर दो, ऐसे हम कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो रियलिटी में तो नहीं कर सकते ना, राइट। मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट। मैं एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ कि हम क्या बोले कि जैसे एक हॉल है और उस हॉल में अगर हम ये बोले कि बहुत सारे जो है बड़े लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहां पर हम ये बोल रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी है, टू और थ्री मंथ्स का या वन मंथ का मान लीजिए, तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये वन मंथ के बच्चे को तो कितनी सी जगह लगनी है, तो सारी सीट जो है बड़े लोगों ने ऑक्यूपाई की हुई है, राइट। तो आप ये मान लो कि वो जो वन मंथ का बच्चा है, जो इन्फेंट है, वो गैस का पार्टिकल है। तो हमने क्या बोल दिया कि पूरे हॉल के कंपेरिजन में उस इन्फेंट ने बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, तो हम बोल देंगे अरे ये क्या जगह लेगा है। लेकिन उसी इन्फेंट को अगर हम उसके झूले में लेटा दें, राइट, तो जिस झूले में वो लेटा हुआ है उसके कंपैरिजन में जो झूले का वॉल्यूम है, अब हम इन्फेंट का वॉल्यूम या उसका ऑक्यूपाइड स्पेस निग्लेक्ट थोड़ी कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो ये डिपेंड करता है कि उस छोटे से बच्चे को हमने रखा किस जगह है। अगर उस छोटे से बच्चे को हमने बहुत बड़ी जगह में रखा हुआ है तो हम ये बोल देंगे कि अरे इसको कितनी सी जगह चाहिए, इसको तो जरा सी जगह चाहिए, ना के बराबर जगह चाहिए। लेकिन अगर हम झूले में बोल दें कि इसको ना के बराबर जगह चाहिए और उसके झूले को और दूसरी चीजों से ऑक्यूपाई कर दे, तो वो कहां सोएगा फिर, उसके वो कंफर्टेबली नहीं रह पाएगा, है ना। आया समझ में। तो इसी तरह से हर कंडीशन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कैसा है, नेग्लिजिबल है, क्लियर। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर थ्री की तरफ। पॉइंट नंबर थ्री क्या था, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर एब्सेंट, उसको भी हम इसी से समझेंगे। देखो जब हम ये बोल रहे हैं कि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत लार्ज है, अब इसी में मैं बता देती हूँ, बार बार फिगर नहीं बताऊंगी, इसी में देखें तो वॉल्यूम कैसा है, लार्ज है, और प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, राइट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है ना, तो लो प्रेशर पे गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो भैया कोई दोस्ती नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। मीन्स दो लोग हैं बहुत दूर दूर है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो उनके बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, कोई दोस्ती भी नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं। अब क्या करते हैं वही दो लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी जगह में, एक कॉलोनी में आके एक दूसरे से बार बार रोज रोज मिलने लगते हैं, हमने स्पेस थोड़ा सा कम कर दिया, तो उनके बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है, स्माइल करने लगते हैं, हाय हेलो करने लगते हैं, और क्या हाल है भाई और तू कैसा है, फ्रेंडशिप हो गई दो बच्चों के बीच में, हाय हेलो हो रही है, ठीक है चलो। और भी ज्यादा मिलने लगे तो थोड़ी और फ्रेंडशिप हो गई। तो यहां तक अगर हम ये बोल रहे हैं कि जब वो दूर दूर है, एक दूसरे को नहीं देख रहे, तो यहां पर तो इंटरेक्शन जीरो है, लेकिन जैसे जैसे वो क्या आते जाएंगे, पास आते जाएंगे। अब यहां पर अगर अपन देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, तो यहां पर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मॉडरेट प्रेशर है, बहुत ज्यादा नहीं, यहां पर इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, यहां पर भी आके इंट्रैक्शन बढ़ा। अब आप सोचो कि वो दो लोग जैसे आपका फ्रेंड बना, पहले अजनबी थे, फिर फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, अब क्या हुआ,
कि वो दो लोग एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, मतलब इतने पास आ गए कि दोनों एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ जानने लगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब किसी के में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगेगा तो वहां पर तो फिर दुश्मनी हो जाती है ना। तो जब अगर अपन सारे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के बहुत पास ले आए, क्या लेकर आए, बहुत पास ले आए, इवन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं यहीं की बात करती हूँ, बहुत पास आ गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगेंगे। जब इंटरफेयर करने लगेंगे, अब जैसे आपसे दोस्ती हुई और आपको पता है कि हाँ भाई हाय हेलो हुई, फ्रेंडशिप हुई, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई, यहां तक अट्रैक्शन था, लेकिन अब इतना ज्यादा होने लगा कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे फ्रेंड से बचना चालू कर दोगे ना। तो यहां पर ये पार्टिकल एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से दूर जाना चालू कर देते हैं, बचना चालू कर देते हैं। तो यहां तक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जब दूर जाने लगे तो यहां पर क्या फोर्स डोमिनेट करने लगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगा। ओके, आप चाहो तो लिख सकते हो, इस केस में यहां तक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। आया या नहीं आया समझ में? तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जीरो है। मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन सिर्फ तभी जीरो है जब ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब इनफ, लार्ज इनफ है, और प्रेशर एक्सट्रीमली लो है। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडरेट रेंज में आते हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा ही क्या होगा, इंट्रैक्शन बढ़ेगा, नहीं, इंट्रैक्शन बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा और उसके बाद फिर क्या होने जाएगा, रिपल्शन बढ़ने लगेगा, है ना। तो भाई जब लोग दूर दूर हैं, कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, पास आए तो पहले हाय हेलो होती है, पहले फ्रेंडशिप होती है, पहले अट्रैक्शन बढ़ता है, फिर जब फ्रेंडशिप होती है तो ये अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उसी फ्रेंडशिप में होते होते पर्सनल बातें शेयर हो जाती हैं, फिर इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, तो फिर क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है। ओके, तो रियल गैसेस में एक्चुअली ऐसा होता है, इसके कारण रियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन या केटीजी के वो जो दो पॉस्टुलेट है उसको ओबे नहीं करते, है ना। तो ये थर्ड पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया, तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, हेंस रियल गैसेस शो डेविएशन, ये लाइन शायद मैं पहले भी लिख चुकी हूं, डेविएशन From ideal behavior, right? है ना? अब ये deviation show करता है, तो कितना deviation show करता है और किस type का deviation show करता है ना, उसको देखने के लिए हम देखेंगे compressibility factor। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और जो मैंने बोला है, जो एक एक पॉइंट बोला है कि ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम जब लार्ज है तब कुछ नहीं है, लेकिन ये पूरा एग्जांपल है, तो आप वीडियो बैक कर लेना, पॉज कर लेना, लेकिन आप ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ओके, तो हमने ये देखा कि रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट तो करती है, अब क्वेश्चन ये है कि वो डेविएशन का टाइप कैसा है, ठीक है, और उस डेविएशन को हम मेजर कैसे करें। ओके, तो रियल गैस के डेविएशन के लिए जो हम उसका बिहेवियर जो हमको मेजर करना है, दैट इज मेजर्ड बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। सो डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज मेजर्ड बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जेड क्या है, एक्चुअली जेड है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ पीवी रियल अपॉन PV ideal, means real gas ने जो ideally, अच्छा एक चीज और, ideal को तो हम calculate कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं PV ideal को, हमारे पास equation है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कौन सा, PV is equal to nRT, है ना, और 1 mole के लिए लिखेंगे तो PV is equal to RT, ठीक है। तो ideal के लिए तो हम calculate कर सकते हैं, लेकिन रियल के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना, और अभी हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो एक्चुअली ये हमारे पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और रियल गैस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, रियल गैस का पीवी प्रोडक्ट हम मेजर करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
तो जो रेशियो आता है मींस मेजर्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ये मेजर्ड है और ये क्या है, कैलकुलेटेड है, उस रेशियो को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. क्लियर? अब इफ जेड इक्वल्स टू वन, हम क्या बोल रहे हैं, इफ जेड इक्वल्स टू वन, इसका मतलब क्या हो गया, पीवी रियल इक्वल्स टू पीवी आइडियल. मींस हमने जो कैलकुलेट किया था पीवी प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू मेजर्ड, या हम ये बोलें कि हमने एक्सपेरिमेंटली जो मेजर किया, मैं यहां पर लिख देती हूं, पीवी रियल हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, है ना, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इट इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड. ओके, और ये क्या होता है, यहां पर लिख देती हूं, ये क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है. क्लियर? तो जब हमारा एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड पीवी प्रोडक्ट कैलकुलेटेड के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, गैस इज आइडियल. तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल्स टू वन देन गैस इज आइडियल. ठीक है, और गैस इज आइडियल मींस देयर इज नो डेविएशन, राइट, देयर इज नो डेविएशन. लेकिन अगर ये बराबर नहीं हुआ, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर रियल गैसेस, रियल गैसेस हम क्या लिख सकते हैं कि जो पीवी रियल है, रेड से लिख देती हूं क्योंकि यहां पे ब्लू हो गया, तो यहां पर लिख देते हैं, पीवी रियल नॉट इक्वल्स टू पीवी आइडियल, उसके बराबर नहीं आएगा, है ना, तभी तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जेड इज नॉट इक्वल्स टू वन. तो यहां पर जेड वन नहीं आएगा. अब जेड वन नहीं आएगा तो या तो वन से बड़ा आएगा या वन से छोटा आएगा. तो देखते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ की तरफ चलते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं. हमने पी वर्सेस वी कर्व बनाया था, तो यहां पर बनाती हूं मैं. देखो, ये है हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, ओके, और ये है हमारा आइडियल गैस का, थोड़ा सा ऐसे बनाती हूं, ये आइडियल गैस का है. क्लियर? तो ये ब्लू वाला क्या है, आइडियल गैस का है, और अगर हम रियल गैस के लिए बनाए तो ये रेड से बनाए, रियल गैस के लिए ये ऐसा बनता है, राइट, ये डॉटेड लाइन से बना है. ठीक है, रियल गैस का कौन सा है, ये रेड वाला, सो इट इज फॉर रियल गैस, आर फॉर रेड एंड आर फॉर रियल मान लीजिए. ठीक है, हाउ एवर ये ब्लू है या ब्लू ब्लैक मान लो, आई से तो कोई कलर नहीं बन रहा, बट सिंपली अब हम देखते हैं. देखो, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास दो रेंज है, यहां तक हम देखते हैं हाई प्रेशर, पहले अपन इस पॉइंट पर बात करते हैं. अगर हम यहां पर प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, ये पी है, मैं यहां पर कर देती हूं, इस पॉइंट को ऐसे लाइन कर देती हूं, और यहां पर मैंने पी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, डेफिनेटली यहां पर प्रेशर की वैल्यू काफी ज्यादा है. और अगर मैंने पी कांस्टेंट किया तो आप देखो फुली लाइन सीधी आ रही है, ये हो गया V आइडियल, मैं I लिख रही हूं, है ना, ये हो गया V आइडियल, और रेड से ही लिखूंगी, ये हो गया V रियल, ये हो गया V रियल. तो हाई प्रेशर पर यहां पर अगर हम देखें तो हमारा V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल आया, राइट, आया ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंक्लूजन बाद में निकालेंगे. अब हम यहां पर आ रहे हैं जरा लो प्रेशर रेंज, इस प्रेशर पर आ, तो अगर हम यहां पर क्या कर ले, पी कांस्टेंट कर ले, अब ये वाली लाइन पर मैंने प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया. अब देखें ये क्या हो गया, अगर इस प्रेशर पर देखूं मैं यहां पर किसी लाइन पे,
तो इस पॉइंट पर हम लेते हैं, मैं यहां से ना इसको ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा सॉलिड डार्क कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए। तो देखो अगर मैं इस लाइन पे लूं, डिफरेंस बहुत माइनर है बेटा, लेकिन ये देखना पड़ेगा, ये हो गया वी आइडियल, राइट, है ना, ब्लू से ब्लू कट हुआ। अब मैं रेड वाला ले रही हूँ, राइट, इस पॉइंट पर ये क्या हो गया, वी रियल, थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कहानी उल्टी हो गई, क्या हो गया, वी रियल लेस देन क्या हो गया, वी आइडियल हो गया, है ना, लो प्रेशर रेंज पर। तो यहां पर हम एक पॉइंट, यहां पर हम कंक्लूजन पे लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले एट हाई प्रेशर, ठीक है, हमने क्या देखा, वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल, अगर वी रियल ज्यादा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज और इसके लिखने के पहले एक मैं बात बता रही हूं, सिंस पी इज कांस्टेंट, है ना, पी अगर कांस्टेंट है, देयरफॉर वी कैन राइट जेड इक्वल्स टू वी रियल अपॉन वी आइडियल, मैं बाद में बताती हूं इसलिए मैंने अभी बता दिया, है ना। तो ये अपन कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर जो दोनों चीजें कांस्टेंट प्रेशर पे लिया, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया, v रियल अपॉन आइडियल। अब देखते हैं एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर रियल वॉल्यूम ज्यादा है, अगर रियल वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, z इज ग्रेटर देन 1, देखो आप वही रेशियो आ रहा है। उसके बाद अब हम क्या लेते हैं, अच्छा एक मिनट, अगर z ग्रेटर देन 1 है और रियल वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब कैसा है, यहां पर मैं बना के बताती हूं कि जैसे ये एक कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में मैंने गैस के दो मॉलिक्यूल डाले, तो ये इसका क्या होना चाहिए, आइडियल वॉल्यूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइडियल वॉल्यूम। लेकिन अभी कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, हाई प्रेशर पे बात कर रहे हैं, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, रियल, मतलब अगर रियल वॉल्यूम ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, है ना, दूर दूर जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, क्यों, मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, पिस्टन दिख रहा है ऊपर, या थोड़ा और ऊपर बनाओ, और ऊपर बना, तो ये पिस्टन क्या हो गया, ऊपर की तरफ मूव कर गया, अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो गया, दूर दूर हो गए, ये क्या हो गया, रियल वॉल्यूम हो गया, है ना, ऐसे ही तो रियल वॉल्यूम ज्यादा हुआ। अब जब मॉलिक्यूल दूर दूर हुए, इसका मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट हुआ, यहां पर रिपल्सिव फोर्स, फोर्सेस आर डोमिनेंट, है ना, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है, इसीलिए इन पार्टिकल्स को क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया, दूर दूर कर दिया, तो रियल वॉल्यूम कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, कब, हाई प्रेशर पर, और जब क्या हो गया, z इज ग्रेटर देन, क्लियर। अब z अगर ग्रेटर देन 1 है, z अगर कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स कैसे डोमिनेट, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, और क्या बोल सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं तो पास में नहीं आ सकते, इसका मतलब गैस इज नॉन कंप्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल, अपन क्या बोलेंगे, गैस इज लेस कंप्रेसिबल, गैस कंप्रेस नहीं हो पाएगी, भाई कंप्रेस करने के लिए तो पार्टिकल को पास पास लाना पड़ेगा ना, तो अगर ऐसा है तो ये कब होता है, हाई प्रेशर पर होता है, दिस पॉइंट इज क्लियर, आप उसे रख कर लेना, मैं लो प्रेशर का भी वही समझाऊंगी, क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि हाई प्रेशर पर z इज ग्रेटर देन 1, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है, और गैस कैसा है, लेस कंप्रेसिबल है, ओके। अब हम आते हैं लो प्रेशर पे, क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देती हूं, है ना। तो सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर ये रहा जहां पर रियल वॉल्यूम कम है और आइडियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो अगर रियल वॉल्यूम कम है और आइडियल वॉल्यूम ज्यादा है
इसका मतलब मैं रेड से लिखूंगी, जेड इज लेस देन वन. जेड क्या हो गया? लेस देन वन हो गया. अब हुआ कैसे जरा वो देखें. तो देखो फिर से अपन कंटेनर बनाते हैं. ये एक कंटेनर और इस कंटेनर में हम अभी बस दो ही मॉलिक्यूल रख रहे हैं, राइट. ये दो मॉलिक्यूल है और ये इसका हो गया आइडियल वॉल्यूम. अब सपोज दैट इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, पास पास आए. भाई पास पास आएंगे, दोस्ती होगी तो और पास खिसक खिसक के बात करेंगे ना. पास आए, अगर जब ये पास आएंगे तो देखें क्या होगा. अब जब ये पास आ जाएंगे तो इनका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये कब हुआ? जब अट्रैक्टिव फोर्स क्या हुआ, डोमिनेट हुआ. क्लियर. तो लो प्रेशर पर हम क्या बोल सकते हैं, जेड इज लेस देन वन. और जेड इज लेस देन वन का मतलब क्या हुआ, एट लो प्रेशर यहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस आर डोमिनेट. अट्रैक्शन फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो गए, ठीक है. और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम मैं लिखना भूल गई, ये है अपना V रियल, है ना, ये हो गया रियल. क्लियर. और जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है, पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, गैस इज मोर कंप्रेसिबल. गैस इज मोर कंप्रेसिबल, है ना. गैस वही पार्टिकल पास आएंगे तो गैस कैसी हो जाएगी, कंप्रेसिबल हो जाएगी. क्लियर. तो इन दिस वे हम क्या बोल सकते हैं कि जेड जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमको बताता है कि गैस कब डेविएट करेगी और किस डायरेक्शन में डेविएट करेगी. मींस ऐसा जरूरी नहीं है कि रियल गैस है तो हम हमेशा ही कह दें कि भाई ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हमेशा ही, मतलब रियल वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा. नो, इट इज नॉट ट्रू. या रियल वॉल्यूम कम होगा, इट इज नॉट ट्रू. इट डिपेंड्स. हाउएवर कुछ गैसेस के लिए हम ये फिक्स कर सकते हैं कि उनका रियल वॉल्यूम हमेशा ही कैसा होगा, ज्यादा होगा. तो अभी मैं आगे बताऊंगी तो वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी. क्लियर. तो ये भी क्लियर हो गया कि जेड इक्वल्स टू वन है, जेड नॉट इक्वल्स टू वन है. और नॉट इक्वल्स टू वन में हमारे पास दो कंडीशन आ गई, हाई प्रेशर पर ग्रेटर देन वन आएगा, लो प्रेशर पर लेस देन वन आएगा. क्लियर. अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक चीज और बता रही हूं यहां पर इसको रख करके. देखो जो हमने यहां पे लिखा था पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल वाला, देखो तो ये वाला पार्ट मैं रब कर देती हूं. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली जेड की. देखो जेड हमने क्या लिखा, पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल. सिंस पीवी आइडियल इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरपी. आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है ना. एंड फॉर वन मोल हम क्या लिख सकते हैं, पीवी आइडियल अपॉन आरपी. और इसको अब हम बोल देंगे मोलर वॉल्यूम. वीएम मतलब क्या हो गया, मोलर वॉल्यूम, राइट. तो एक मिनट, टी हो गया एल की जगह, है ना. अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट जेड इक्वल्स टू पी, क्या लिख दें यहां पर, रियल, है ना, मोलर वॉल्यूम. इसकी जगह अपन क्या लिख दें, ये मोलर वॉल्यूम है तो वन मोल का है. और इसकी जगह क्या लिख दें, आरटी. ऐसा लिख सकते हैं. वीएम क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ द गैस, वेदर इट इज रियल और आइडियल. तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, इसको हम मोलर वॉल्यूम भी लिखते हैं. आप वी भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में वीएम लिखा आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीएम क्या है. वीएम मींस, और नीचे से एन गायब कर देते हैं. तो जब हम एन गायब करते हैं, मतलब एन इक्वल्स टू वन रखा, तो हम मोलर वॉल्यूम को क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं. ओके. तो हम जेड को क्या लिख सकते हैं, पी वीएम बाय आरटी. और अगर वन मोल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी लिख देंगे, राइट. ये वाला लिख देंगे अगर वन मोल नहीं. ये किसके लिए, वन मोल के लिए, तो मैंने मोलर वॉल्यूम लिख दिया. तो जेड जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसको हम रेशियो भी बता सकते हैं, पीवी अपॉन आरटी का रेशियो भी बता सकते हैं. क्लियर, है ना.
अब कई जगह डाउट आता है, मैडम टीवी रियल की जगह भी तो हम एनआरटी रख सकते हैं, आप बताओ रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि रियल गैस थोड़ी कोई आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है। रियल गैस के लिए तो हम देख ही चुके हैं, रियल गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख चुके हैं पीवी इज नॉट इक्वल्स टू आरटी, है ना, और एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे थोड़ी हम आरटी रख सकते हैं, हम आरटी सिर्फ किसकी जगह रख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन की जगह रख सकते हैं। तो हमने जेड को प्रूव कर दिया कि जेड इज द रेशियो अपॉन पीवी अपॉन एनआरटी। बट ये याद रखना कि ये पीवी आइडियल नहीं है, ये पीवी कैसा है, रियल है, राइट, है ना, ये क्या है, पीवी रियल। क्लियर आ गया? सिर्फ आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में हम पीवी आइडियल पुट करेंगे, रियल गैस के केस में हम यहाँ पर पीवी रियल ही लेके चलेंगे। यहां से देख के चलिए, आप बिल्कुल मैच कर लीजिए। अब यहीं पर मैं एक डेरिवेशन, मतलब एक रिलेशन और बता देती हूँ, रिलेशन बिटवीन जेड एंड डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, इतने से पार्ट में ही कर देते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं नाउ रिलेशन बिटवीन जेड एंड डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। बट कौन सी गैस? रियल नहीं, यहां पर हम क्या रखेंगे, आइडियल गैस के लिए रखेंगे, ठीक है, ये रियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ जाएगा क्यों? देखो, सिंस z इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, पीवी अपॉन एनआरटी लिखा था। अब n इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। इसको हम यहां पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, नाउ z इक्वल्स टू क्या हो गया, p, और मोल की जगह मैं क्या लिख दूं, मास बाय मोलर मास आरटी, और यहां पर आ गया वॉल्यूम। मैं मोलर मास को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू पी मोलर मास, वॉल्यूम अलग रखा, यहां पे आरटी अलग रख लिया और ये मास रख दिया, राइट। बताओ कहीं से डेंसिटी आ रही है, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। सो सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है ना, ओमेगा जैसा बनता जा रहा है, तो हम क्या रिलेशन निकालेंगे, सो वी कैन राइट जेड इक्वल्स टू प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन रो आर टी, राइट। तो ये हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने वॉल्यूम जो यूज किया है, आइडियल वाला यूज किया। देखो आपको पता है नहीं, नीचे वाली टर्म आइडियल है, ऊपर वाली रियल होगी रियल गैस के लिए, लेकिन आइडियल गैस के लिए तो हम पीवी आइडियल लेते हैं, और यहां पर हमने इन दोनों को यूज करके हम क्या लेकर आए हैं, डेंसिटी लेकर आए हैं। ओके, तो ये एक रिलेशन आ गया। कभी कभी आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड और डेंसिटी में रिलेशन, या कभी कोई डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे जेड वर्सेस पी ग्राफ फॉर डिफरेंट गैसेस एंड फॉर सेम गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, और हम देखेंगे फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, तो ये आप पूरा नोट कर लीजिए और इसका बिल्कुल पॉज करके वीडियो सिस्टमेटिकली अच्छे से नोट्स बनाइए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ वी विल लुक एट वेरिएशन ऑफ जेड विद पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट, है ना। तो डिफरेंट गैसेस के लिए हम देखेंगे, अभी अपन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और सॉरी मैं यहां पर देख लेती हूँ फॉर डिफरेंट गैसेस, है ना। देखो इसको करने से पहले हम सबसे पहले ना पीवी वर्सेस पी का कर्व देखते हैं, जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन में, सॉरी आइडियल नहीं, बॉयल्स लॉ के टाइम पर जो पढ़ा था वही हम देखते हैं। कि सपोज दैट मैं कर्व बना रही हूं पीवी वर्सेस पी का, ओके। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, आइडियल गैस इक्वेशन वहीं से आई ना, कि पीवी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, अगर कॉन्स्टेंट है तो ये लाइन कैसी आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, क्लियर।
और ये क्या फॉलो करेगी, ये लाइन क्या शो कर रही है, इट इज आइडियल गैस। ये क्या है, आइडियल गैस है, क्लियर। अब जरा मैं रफली यहां पर बना रही हूं, जो अभी हमने पी वर्सेस वी का ग्राफ रियल गैस के लिए बनाया था, मैं रफली यहां पर बना देती हूं, आपके पास पूरा बना हुआ है, स्पेस नहीं था नहीं तो मैं उसको रख लेती। ये हमने किसके लिए बनाया था, आइडियल गैस के लिए बनाया था, है ना। और एक उसकी फिगर की आपको और जरूरत पड़ेगी, वो मैं बोल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और ये हमारा किसके लिए था, रियल गैस के लिए था, राइट, है ना, रेड वाला रियल गैस के लिए था। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और दूसरा मैंने एक और फिगर बनाया था कि जब एक कंटेनर में तीन बना देती हूं, एक कंटेनर में आप ये मान लो कि ये वॉल्यूम बहुत लार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल ही नहीं रखूंगी, ये पिस्टन रखा हुआ है इसमें, और इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स है, बहुत लार्ज वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमने सिक्स है, तो मतलब यहां पर प्रेशर कैसा है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर है, या लो प्रेशर अपन बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली लो प्रेशर, नेग्लिजिबल, भाई बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, पिस्टन बहुत ऊपर है। उसके बाद एक और फिगर, हो सकता है थोड़ी बहुत टेढ़ी बन रही हूं, यहां पर हमने क्या किया, पिस्टन को नीचे लेकर आए, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लो प्रेशर है, है ना। और यहां पर अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट, और उसके बाद अब हमने कर दिया हाई प्रेशर, ठीक है, सॉरी, बहुत हाई प्रेशर कर दिया, और भी हाई प्रेशर मैं बता रही थी, नीचे जो एकदम से नीचे वाला बनाया था ना मैंने, बस वही बना रही हूँ, है ना, ये बहुत हाई प्रेशर कर दिया, मैं लिख नहीं रही हूँ, ओरली बोल रही हूँ, राइट, ये ऐसे हो गए पार्टिकल। तो ये हमारा एक्सट्रीमली लो प्रेशर वाला फिगर जो अभी बनाया था, ये लो प्रेशर का और ये हाई प्रेशर का, ओके। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ पी लो, बोलेंगे मैडम कह रही है लिख नहीं रही, लेकिन लिख देती, क्या करें, बच्चों पर भरोसा नहीं होता ना, सोचे मैडम आपने नहीं लिखा था तो हमने नहीं लिखा, हाउएवर ये फिगर आपके पास बना हुआ है, उसी से हम समझते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए तो कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप याद करिए कि जब एक्सट्रीमली लो प्रेशर था तो इनका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल था, और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी कैसा है, नेग्लिजिबल है, मतलब एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे जब पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं, ना दोस्ती ना दुश्मनी, याद आया ना। तो इस केस में मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन भी जीरो है और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है ना। तो इस केस में हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे यहां से, ओके, ये जीरो है, ये हो गया हमारा एक्सट्रीमली लो प्रेशर, दीजिए, क्लियर। उसके बाद अब हम आते हैं लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे आप याद करिए, यहां पर मैंने एक ग्राफ लाइन बनाई थी, ये बनाया था, ये देखो, ये आइडियल वॉल्यूम और ये रियल वॉल्यूम, ठीक है, ये रियल और ये आइडियल, रियल वॉल्यूम कम है और आइडियल वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहां पर जेड कैसा था, लेस देन वन था, राइट, याद आया कि नहीं आया कुछ। अभी अपन जेड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी कर्व को मैं जेड में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि ये मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़े इसलिए मैंने बता दिया। अब अगर यहां पर रियल वॉल्यूम कम है तो जेड लेस देन वन है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा पीवी प्रोडक्ट है, हमने क्या लिखा था, सब कुछ मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है, ये हमारा क्या था, पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल, है ना। तो कैन वी से कि ये प्रोडक्ट कम है, दिस पीवी प्रोडक्ट इज लेस देन आइडियल, है ना, याद आया कि नहीं, जब जेड लेस देन वन है। अब अपन यहां पर आते हैं, ये हमारा पीवी प्रोडक्ट है और यहां पर हम मान लेते हैं कि पीवी रियल इक्वल्स टू पीवी आइडियल, तो यहां पर है जेड इक्वल्स टू वन। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लो जाएगा, अभी मैं बनाऊंगी पूरी अलग अलग गैसेस के लिए। फिर हम हाई प्रेशर पे जाते हैं, हाई प्रेशर वाला ये रीजन है, तो यहां पर क्या हो गया था, रियल वॉल्यूम ज्यादा हो गया था और आइडियल वॉल्यूम कम हो गया था, राइट, ये आइडियल वॉल्यूम है, मींस पीवी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से न
यहाँ पर स्टार्टिंग में तो इक्वल हो गए पीवी रियल इक्वल्स टू पीवी आइडियल एक्सट्रीमली लो पे, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऐसा चला गया राइट ऐसा, ये डिफरेंट गैसेस के लिए। अब अगर हम इसमें देखें तो स्टार्टिंग में ये नीचे आया फिर और नीचे, ये अलग अलग गैसेस के लिए, ये है CO2 गैस के लिए, ये है CH4 गैस के लिए, ये है N2 के लिए, क्लियर। और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनके लिए ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये कौन सी गैस है जरा देखें, ये है हमारा हीलियम और ये है H2 राइट, ये कौन सा है H2। अब ये इसके लिए हमेशा पीवी प्रोडक्ट आइडियल से ज्यादा ही क्यों आता है, पीवी रियल का प्रोडक्ट आइडियल से क्यों ज्यादा आता है, ये अपन सब पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखो यहां पर तीन रेंज बन गई। इस केस में अगर हम देखें बहुत ध्यान से, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, लो प्रेशर हम क्या बोल सकते हैं, पीवी रियल इक्वल्स टू पीवी आइडियल और जेड इक्वल्स टू क्या हो गया वन हो गया, क्लियर। अब एट लो प्रेशर नॉट एक्सट्रीमली लो, यहां पर पी नॉट एक्सट्रीमली लो का मतलब नियरली जीरो, बहुत लार्ज वॉल्यूम, एट लो प्रेशर पर हम क्या देख रहे हैं, ये रियल गैस है तो पीवी रियल इज लेस देन पीवी आइडियल राइट। देखो ये डिप आ रहा है ना नीचे, तो यहां पर जेड कैसा हो गया लेस देन वन हो गया, एंड एट हाई प्रेशर हम क्या बोल सकते हैं पीवी रियल, ये हाई प्रेशर है, देखो हाई प्रेशर पे जाके क्या हो रहा है, ये प्रेशर बढ़ रहा है तो ये बढ़ ही रहा है, ग्रेटर देन पीवी आइडियल और यहां जेड कैसा हो गया ग्रेटर देन वन हो गया, क्लियर आया समझ में। तो जब हम डिफरेंट गैसेस के लिए पीवी वर्सेस पी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ऐसा ग्राफ आता है, और यही ग्राफ किसका आता है जेड का आता है, क्यों देखो हमें मालूम है पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल, तो ये क्या हो गया z इक्वल्स टू वन, तो अगर हम इस पॉइंट को z इक्वल्स टू वन बोल रहे हैं तो इस पॉइंट के ऊपर z क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, तो यहां पर इस यहां इस लाइन के ऊपर z ग्रेटर देन वन है और इस लाइन के नीचे z कैसा है लेस देन वन है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं z इज लेस देन वन और यहां कैसा है z ग्रेटर देन वन, तो ये पीवी वर्सेस पी का भी ग्राफ है और हम इसको Z वर्सेस P का भी ग्राफ बोल सकते हैं, क्लियर, दोनों ग्राफ बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि CO2 के लिए ये अलग है, CH4 के लिए अलग है, N2 के लिए अलग है, H2 और हीलियम के लिए अलग है। देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां भी आप कॉपी का पेज टर्न करिए, मैंने आपको बताया था कि Z लेस देन वन कब होता है, जब मॉलिकुलर अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होते हैं राइट। मॉलिकुलर अट्रैक्शन कैसे होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, मॉलिक्यूल गैस का जितना मोलर मास ज्यादा होगा राइट, गैस का मोलर मास कैसा होगा जितना ज्यादा होगा या उसका सरफेस एरिया कितना होगा ज्यादा होगा, तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वेंडर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल होते हैं ओके। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा है ना, तो CO2 का मोलर मास 44 है, सरफेस एरिया कैसा है ज्यादा, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है तो Z उतना ही वन से कम आएगा, Z इज लेस देन वन आपको कब बताया था, कॉपी टर्न करो, जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या कर रहा है डोमिनेट कर रहा है राइट, तभी बताया था ना लो प्रेशर पर राइट। तो Z इज लेस देन वन, तो जितना ज्यादा गैस पार्टिकल का मोलर मास या सरफेस एरिया होगा तो वेंडर वॉल फोर्स उतने ही कैसे होंगे ज्यादा होंगे, और वेंडर वॉल फोर्स, वेंडर वॉल फोर्सेस आर अट्रैक्शन फोर्सेस ओके,
तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जेड उतना ही कम होता चला जाएगा। अब अगर हम देखें तो इन सारी गैसेस में वेंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है इसमें सबसे ज्यादा। एक डाउट ये भी आता है कि मैम CH4 का मोलर मास तो 16 है और N2 का 28 है तो इसका ज्यादा होना चाहिए। यहाँ सरफेस एरिया काम करता है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया क्या हो जाता है, और इसमें पाई बॉन्डिंग है तो सरफेस एरिया कम है तो यहाँ लेस सरफेस एरिया के कारण वेंडरवाल अट्रैक्शन कम है तो इसका Z1 से कम तो आता है लेकिन उतना कम नहीं होता। CH4 में मोलर मास भले ही कम है लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा है, मॉलिक्यूल फैला हुआ है, फैला हुआ है तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा आता है और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा आएगा तो जेड उतना ही कम होगा तो इसका जेड और नीचे आ जाता है, CO2 का और नीचे आ जाता है। क्लियर है ना? तो जितना गैस में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे जेड की वैल्यू 1 से उतना ही कम होती चली जाएगी, मीन्स मतलब लेस देन 1 उतना ही ज्यादा होता जाएगा। क्लियर? अब हम देखें तो हमने हीलियम और हाइड्रोजन क्यों ऊपर रखा, हीलियम एंड हाइड्रोजन आर वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल है, और हीलियम तो देखें तो हीलियम तो नोबल गैस है, राइट? नोबल गैस मतलब कंप्लीट ऑक्टेट, तो इसका तो बॉन्ड बनाने का नेचर ही नहीं होगा, और जब बॉन्ड बनाने का नेचर नहीं होगा हीलियम के एटम पास आने की भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए ही पास आते हैं तो हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट, हीलियम अपनी मस्ती में मगन, तो हीलियम के एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो कभी होगा ही नहीं। अब जब अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन तो आएगी नहीं, ये तो तब आती है जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, तो वहां पर सिर्फ क्या डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो हीलियम के लिए जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट? इसी तरह से अगर हम H2 देखें तो H2 बहुत छोटा एटम है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है ना, सॉरी H2 एटम निकल गया, H2 बहुत छोटा मॉलिक्यूल है और मोलर मास भी सबसे कम है, इससे कम मोलर मास वाली कोई गैस है ही नहीं हमारे पास। इसका मोलर मास कितना है, 2 ग्राम पर मोल, या फिर अगर अपन उसमें लिखे तो 2U है, तो एक तो मोलर मास बहुत कम और साइज बहुत छोटा, तो ये इसके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, कम होगा। आप ऐसा समझो कि H2 इज जस्ट लाइक अ वेरी स्मॉल थर्मोकोल बॉल, ठीक है? थर्मोकोल का मोलर मास बहुत कम होता है ना और बहुत छोटी भी है, तो थर्मोकोल की बॉल जितनी छोटी होगी और वो उतना ही क्या होगी, उड़ेगी, कभी आप उसको एक जगह कलेक्ट कर ही नहीं सकते, राइट? है ना? तो जस्ट आप वैसे ही इमेजिन करो कि H2 का मॉलिक्यूल ना स्मॉल थर्मोकोल बॉल जैसा है, तो वहां तो दो थर्मोकोल बॉल के बीच में कभी अट्रैक्शन आ ही नहीं सकता, आप उनको पास भी लाओगे तो भी क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो जब पार्टिकल बहुत छोटा है तो उसमें फिर क्या डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स, है ना? तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो जेड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये डिफरेंट गैसेस के लिए हमने जेड वर्सेस पी कर्व भी बोल सकते हैं, हम इसको पीवी वर्सेस पी कर्व भी बोल सकते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है ना? अब मैं उधर का पार्ट रब कर दे रही हूं, ये भी रब करती हूं, इस ग्राफ से रिलेटेड मुझे कुछ आपको समरी लिखवानी है, तो ये आप नोट कर लीजिए, रब करके मैं आपको पूरी समरी लिखवाती हूं। ओके, तो अब हम लिखेंगे इस ग्राफ की समरी। देखो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर आइडियल गैस, रट गया होगा, Z=1 एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप कुछ भी टेम्परेचर या प्रेशर रखें, Z=1 पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर या एक्सट्रीमली लो प्रेशर, Z=1 फॉर ऑल गैसेस, ठीक है? या मैं ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं लिख रही क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी ना, तो ये वेरी लो प्रेशर, देखो हर गैस का ओरिजिन यहां पे हो रहा है, तो Z=1 फॉर ऑल गैसेस। फिर
फिर पॉइंट नंबर थ्री फॉर वेरी लो प्रेशर के बाद की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को हटा देना, ये पॉइंट एक्सक्लूसिव हो गया, एक्सट्रीमली लो प्रेशर या वेरी लो प्रेशर वाली कंडीशन अब हम हटा के बात करेंगे। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम Z is greater than 1 always at all pressure except कौन सा very low वाला छोड़ दो, तो hydrogen and helium के लिए Z is always greater than 1 at all pressure range, ठीक। फिर point number 4 for all other gases, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें, फॉर ऑल अदर गैसेस जेड इज लेस देन 1 एट लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर पर जेड कैसा हो गया लेस देन 1, एंड जेड इज ग्रेटर देन 1 एट हाई प्रेशर, राइट, है ना, हाई प्रेशर पर जेड कैसा हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया फॉर ऑल अदर गैसेस। तो हम एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं कि एट हाई प्रेशर Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल रियल गैसेस। तो आप ये लिख लीजिए, अब स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रही, फिर उसमें हाइड्रोजन हीलियम सब आ जाएगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए तो ऑलवेज ही ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, एट हाई प्रेशर Z is greater than 1 for all real gases, सारी real gases के लिए Z कैसा होता है greater than 1 होता है, clear? अब हम एक graph बनाते हैं Z versus P for a particular gas at different temperature, okay? और इसको मैं बना रहने दूंगी क्योंकि फिर हम दोनों से conclude करके कुछ points summarize करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं Z versus P graph for same gas at different temperature, है ना, तो हम एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर Z versus P graph देखेंगे, ओके? तो Z वर्सेस पी, ये जेड है और लेट ये हमने मान लिया जेड इक्वल्स टू 1, ओके। अब अगर हम किसी गैस के लिए देखें तो ये जेड इक्वल्स टू 1 है, मतलब ये आइडियल बिहेवियर है, ओके, और ये ग्राफ ऐसा आता है। अब अपन दिखाते हैं और इनसे टेम्परेचर का भी रिलेशन अपन देखेंगे। तो यहां पर मैं टेम्परेचर डाल रही हूं, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये T3 है और ये T4 है। अब क्वेश्चन जनरली ये आता है कि T1, T2 और T3, T4 में क्या रिलेशन है, क्लियर? देखो आप खुद बताओगे, ये आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रब कर देती हूं और उस पे अपन, चलो पहले इस यहां पर देख लेते हैं। अगर हम देखें तो T1 पर Z is greater than 1 है, right? For T1, Z is always greater than, यहां पर तो less than 1 होने का काम हो ही नहीं रहा। T2, T3, T4 पे Z कभी less than 1 है और कभी बहुत ज्यादा है, clear? अब इसका मतलब ये है, जब Z greater than 1 है, means repulsive force dominate कर रहे हैं, और repulsive force dominate कर रहे हैं, मतलब molecule दूर-दूर जा रहे हैं, right? और मॉलिक्यूल अगर दूर दूर जा रहे हैं, ये एक एक पॉइंट आप लिख लेना, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर दैट मींस दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और हाई काइनेटिक एनर्जी मींस टेम्परेचर इज हाई, राइट? अगेन आई एम रिपीटिंग, एट T1 जेड इज ग्रेटर देन 1, जेड इज ग्रेटर देन 1 मींस रिपल्सिव फोर्स आर डोमिनेंट, एंड व्हेन रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट इट मींस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, apart from each other means they have very high kinetic energy, high kinetic energy means temperature is high,
तो T1 यहां पर सबसे ज्यादा है. ओके अब इफ वी वॉन्ट टू कलेक्ट द गैस मॉलिक्यूल्स और इफ वी वॉन्ट टू टेक द मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर, है ना, अगर हम उनके पास एक दूसरे के पास लाना चाहते हैं, देन वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर. इफ वी वॉन्ट टू टेक द गैस पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर देन वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर. और जितना हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उतना मॉलिक्यूल क्या आएगा, क्लोज आएगा. बताया था ना अभी मैंने स्टेट में कि जब टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड होता चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती जाती है. तो अगेन हम यही पॉइंट पर आते हैं. एट दिस पॉइंट अगर हम ये बोले कि जेड इज लीस्ट, जेड की वैल्यू क्या है, सबसे कम है. हाउएवर इन तीनों पॉइंट में जेड लेस देन वन है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो जेड फोर ये रहा, जेड थ्री ये रहा और जेड टू ये रहा, है ना, मतलब ये टी टू टेम्परेचर पर और ये हो गया जेड वन. तो जेड वन सबसे कम है, राइट, सॉरी जेड फोर सबसे कम है, जेड फोर लीस्ट है, मींस अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा डोमिनेट कहां पर है, जेड फोर पर. तो मोस्ट यहां पर अपन बोलेंगे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस, फिर उससे कम, फिर उससे कम. और अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा है मींस मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, काइनेटिक एनर्जी कम है, देन टेम्परेचर इज ऑल्सो लेस. तो यहां पर क्या हो जाएगा, लीस्ट टेम्परेचर हो जाएगा T4, उसके बाद यहां पर T2 और उसके बाद T3. इट सिंपली मींस कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस डिक्रीजेस जेड ऑल्सो डिक्रीजेस. जेड क्या होगा, डिक्रीजेस और डिक्रीजेस वन से डिक्रीज होता चला जाएगा. क्लियर है ना, नॉट डिक्रीजेस एट हम क्या बोले लो प्रेशर रीजन, क्योंकि हाई प्रेशर रीजन पर तो जेड यूनिवर्सली ग्रेटर देन वन होता है. क्लियर, तो एट लो प्रेशर पर जेड कम होता चला जाएगा. क्लियर आया, और जिसमें जेड हैज मैक्सिमम डिप हम क्या बोल सकते हैं, द टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच जेड हैज, या हम ये बोले जेड हैज लीस्ट वैल्यू, दैट इज लीस्ट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर सबसे कम होगा. क्लियर, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर हमने जेड वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट किया. ओके अब हम कुछ समरी पॉइंट लिखेंगे इन दोनों ग्राफ को से देखते हुए, ये वाले तो हमने लिख ही लिए, अब उस ग्राफ को और इस ग्राफ को देखते हुए हमें दो तीन पॉइंट समराइज करना है, तो हम वो भी समराइज कर लेते हैं. देखो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हम किसी भी गैस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मींस जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जेड इज ग्रेटर देन वन एट T1 फॉर गैस के लिए, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जेड बढ़ेगा, है ना. अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ जो हमने लिया था, ये ग्राफ हम जनरली लेते हैं टेम्परेचर, यहां पर हमने लिया था 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, ये किस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने लिया था. लेकिन अगर हम देखें फॉर H2 एंड हीलियम स्पेशली, क्यों, क्योंकि H2 एंड हीलियम का Z ऑलवेज ग्रेटर देन वन है, तो हम उन्हीं की बात करते हैं. फॉर H2 एंड हीलियम इफ टेम्परेचर इज मच लेस देन 273 केल्विन, अगर हम उनका टेम्परेचर क्या कर दें 273 केल्विन से भी क्या कर दे, कम कर दे, है ना, तो अब भाई टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मजबूरी में गैस पार्टिकल को क्लोज आना पड़ेगा, और मजबूरी में अगर गैस पार्टिकल को क्लोज आना पड़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो जेड लेस देन वन भी हो सकता है ना. तो फॉर H2 एंड हीलियम If temperature is too less than 273 Kelvin, then Z versus P curve
या ग्राफ मे बी लाइक ऑल अदर गैसेस, ऑल अदर गैसेस, राइट, है ना। तो जेड वर्सेस पी कर्व क्या हो सकता है, बाकी सारी गैसेस से भी क्या के जैसा हो सकता है। बाकी सारी गैसेस का मतलब कैसे, कि लो प्रेशर पर जेड क्या हो जाए, लेस देन वन हो जाए, और हाई प्रेशर पे तो ग्रेटर देन वन होना ही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अदर देन गैसेस, दैट इज मतलब भी लिख देती हूं, दैट इज एट लो प्रेशर जेड लेस देन वन एंड एट हाई प्रेशर जेड ग्रेटर देन राइट। ये हो सकता है अगर हम टेम्परेचर 273 केल्विन से काफी कम करें तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के लिए भी हो सकता है। क्लियर, तो ये फर्स्ट पॉइंट हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए हो गया। अब हम बाकी गैसेस के लिए भी देख लेते हैं। फॉर ऑल अदर गैसेस उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, फॉर ऑल अदर गैसेस इफ टेम्परेचर इज टू हाई, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो जेड तो ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा राइट। तो हम यहां पर सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल अदर गैसेस इफ टेम्परेचर इज मच ग्रेटर देन 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन से बहुत ज्यादा है तो Z ग्रेटर देन वन होगा। जरा उस ग्राफ को देखिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मैंने क्या बताया था, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो Z क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, है ना। तो इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 273 केल्विन देन Z वर्सेस P कर्व मे बी लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, मींस हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व भी दूसरी गैसेस की तरह हो सकता है अगर टेम्परेचर 273 केल्विन से बहुत कम है, और बाकी सारी गैसेस का भी जेड वर्सेस पी कर्व हाइड्रोजन एंड हीलियम की तरह हो सकता है इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन से बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये था रियल गैस का डेविएशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके।